चोरी राहुल भैया ने करवाई थी और भूतों की अफवाह बुआ जी ने। आज गौरा बोलेगी और जब वो बोलेगी तो हर कोई सुनेगा। ये वही गौरा है जिस पर इल्जाम लगाए गए। ये वही गौरा है जिसे उल्टी सीधी कई बातें बोली गई। ये वही गौरा है जो घर से बेघर हो गई, लेकिन अब गौरा लौट आई है अपनी सच्चाई के साथ। और आते ही गौरा ने सोम को, और सोम को ही क्या, पूरे घर वालों को बता दिया कि कौन है वो इंसान जिसने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम किसी और पर डाल दिया। वैसे जब गौरा आई तो गौरा के पीछे उनकी भूत सासू माँ भी आई, जो उस पूरी सिचुएशन को गौर से देख रही थी। गौरा आई और आते ही गौरा के सामने सोम और ट्विंकल खड़े हो गए, लेकिन इस बार गौरा ने अपना आपा नहीं खोया और गौरा ने सोम को बताया कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि घर के किसी शख्स ने की है। जरा आप भी देखिए कि कौन है घर का वो भेदी। अरे, हमने ऐसा का गलत बोल दिया बुआ जी, आप तो खामा का घबरा रही हैं। तो इन कल शांडो के पीछे दो लोगों का हाथ, सही कहा ना राहुल भैया बुआ जी? बताइए ना सबको। भाभी क्या कह रही हैं आप? अरे बोलिए ना। और तुम? हाँ, तुमसे बात कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? वो मेरी जुबान हो गई आपने तो हम आपको बताते। चोरी राहुल भैया ने करवाई थी और भूतों की अफवाह बुआ जी ने। तो देखा आपने, ये जनाब थे चोर नंबर वन। अपनी चोरी का खुलासा होते ही बुआ जी और उनके ये सुपुत्र कन्नी काटने वाले थे, लेकिन इन्हें ट्विंकल ने पकड़ लिया और उसके बाद जो धनाधन कुटाई हुई है, वाह, सबको मजा आ जाएगा। गौरा की इतनी काबिलियत देखकर जो उनकी भूत सासू माँ है, उसने भी पीछे खड़े खड़े कुछ इस अंदाज में गौरा को बधाई दी। लेकिन इस मौके पर एक बात और साबित हो गई कि गौरा बलिदान की देवी है। वो इसलिए क्योंकि वो सोम जो एक वक्त पर गौरा की जिंदगी हुआ करता था, जाते जाते गौरा ने उसी सोम का हाथ ट्विंकल के हाथों में थमा दिया। क्या बात है गौरा। वैसे अब हमें पूरी उम्मीद है कि सोम आपके प्यार को जीतने की पूरी कोशिश करेगा, तो आपके पास ये मौका है, जितना हो सके स्टाइल से उतना भाव खाइए और शो में नए ट्विस्ट लेकर आइए।